हे गाइस, क्या हाल चाल। इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैफीन की कितनी डोज आपको लेनी चाहिए, कैफीन किस तरीके से वर्क करता है। स्पेशली हम लोग कॉफी को लेकर के चलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कॉफी ही नहीं है जिसमें कि कैफीन पाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हो गया आपका बाहर से लाने वाला सोडा, जैसे कि हो गया आपके चॉकलेट्स, जैसे आपके एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे आपके प्री वर्कआउट्स, ऑलराइट, जैसे आपके चाय। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैफीन वर्क कैसे करता है, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कितना डोज सही है, ऑलराइट। फिर हम लोग इसे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, और लास्ट में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैफीन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को कैफीन से दूर रहना चाहिए, ऑलराइट। तो माय नेम इज सूर्य प्रताप सहाय, शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग इस बारे में जानेंगे कि कैफीन हमारे बॉडी के ऊपर वर्क कैसे करता है, ऑलराइट। तो यार देखो, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम लोग थकते कैसे हैं, हमें नींद कैसे आती है। जब हम जगे रहते हैं तो एक एडेनोसाइन नाम का केमिकल हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, एडेनोसाइन रिसेप्टर्स के अंदर, ऑलराइट। और जब ये केमिकल्स एडेनोसाइन रिसेप्टर्स के अंदर फिल अप हो जाते हैं तो हम लोगों को थकान महसूस होती है और हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कैफीन को इंटेक करते हैं तो कैफीन का जो स्ट्रक्चर है और एडेनोसाइन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, ऑलराइट। 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो कैफीन होते हैं, कैफीन एडेनोसाइन रिसेप्टर्स में एडेनोसाइन का जगह ले लेते हैं, ऑलराइट। जिसके वजह से एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को एडेनोसाइन मिलती ही नहीं, जिसके वजह से हमें थकान महसूस नहीं होती, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता यार कि हमारे अंदर कोई एनर्जी वगैरह आ जाता है कॉफी वगैरह पीने के बाद, नहीं, कोई एनर्जी नहीं आती है, बस हमें थकान महसूस नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से कैफीन हमारे अंदर वर्क करता है। और गाइस, कैफीन इतना पर रुकता नहीं है, कैफीन फिर हमारे हार्ट रेट को भी बूस्ट करता है, ठीक है, हमारे ब्लड पंप को भी बढ़ा देता है, क्योंकि यार वो क्या करता है ना कि ये हमारे एड्रेनालिन लेवल पर भी इफेक्ट कर देता है, एड्रेनालिन को ये हमारा बढ़ा देता है, एड्रेनालिन, समझ लो ना, काट लो या कट लो वाला हार्मोन, ठीक है। तो ये उसे भी बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में पंप्स बढ़ जाते हैं, और जिसके वजह से जो हमारे एयरवेज हैं वो भी खुल जाते हैं, ठीक है। तो इतना पर भी ये नहीं रुकता है, इसके बाद ये हमारे डोपामीन पर भी इफेक्ट करता है गाइस। ये डोपामीन पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट करता है जिसके वजह से हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ठीक है गाइस। यही सेम चीज कोकेन भी कर रहे होते हैं और बाकी के जो ड्रग्स होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में करता है, इसलिए ये लीगल है, ऑलराइट गाइस। कैफीन को लीगल ड्रग कहा जाता है, आपको पता होगा ये चीज, कैफीन इज अ लीगल ड्रग जिसे कि मेडिकेशंस वगैरह में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था कि कॉफी किस तरीके से वर्क करता है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कैफीन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कैफीन ऑन आवर बॉडी, ओके, एंड आफ्टर देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि किन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए कैफीन, ठीक है। चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कैफीन क्या क्या है। तो हेल्थ बेनिफिट नंबर वन, वेट लॉस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक बहुत ही अच्छा फैट बर्नर है, ऑलराइट। आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन का इस्तेमाल होता है, क्यों, जिससे कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक तो फैट बर्न कर सके और हमें एनर्जी भी अच्छी तरीके से मिलते रहे वर्कआउट करने के लिए, ऑलराइट। प्री वर्कआउट्स में कैफीन का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। तो गाइस आप हमेशा पहले चेक कर लिया करना प्री वर्कआउट्स में, उसके सप्लीमेंट्स वगैरह के जो पीछे वाला रिव्यू होता है कि किसमें क्या क्या स्टैट्स, उन समय आप हमेशा चेक करना कि कैफीन का मात्रा कितना है। ऐसे तो 300 mg वगैरह कैफीन नहीं देगा, वो इनलीगल होता है किसी भी प्री वर्कआउट में उतने ज्यादा मात्रा में कैफीन को डालना। अगर आप एक ट्रस्टेड प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक लोकल प्री वर्कआउट वगैरह ले रहे हो ना, तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर देखना, ठीक है। ज्यादा कैफीन हमें नहीं चाहिए, हम आएंगे कितना कैफीन ज्यादा होता है, बट अभी हम लोग चलते पहले हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। कैफीन हमारा फैट लॉस करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये एक अच्छा फैट बर्नर है, ऑलराइट। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्कआउट से पहले गाइस, अगर आप आधे घंटे पहले कैफीन लेते हो ना, तो वो आपके वर्कआउट के क्वांटिटी को या फिर कह लो क्वालिटी को वर्कआउट की क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है, ऑलराइट। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं,
अगर हम कैफीन को एक मॉडरेट मात्रा में लें तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर लेकिन हाँ, फिर वही बात है यार, मॉडरेट में लेना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, टू मच इज नॉट अलाउड। ठीक है, तीसरी चीज, ये हेडेक वगैरह को क्योर कर सकता है। ठीक है, अगर आपके सर में दर्द है, आप एक कप कॉफी लेकर के देखिए, आपका सर का दर्द ठीक होने का चांस बहुत ज्यादा। ठीक है, अगली चीज के बारे में बात करूंगा इस, तो फिर ये थ्रॉट के, ये माउथ के और ये लिवर कैंसर के रिस्क को भी कम कर देता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि आपको भी करना चाहिए। आपको हमेशा कैफीन का यूज करना चाहिए, बट मॉडरेट लेवल में ही बोलूंगा मैं। ठीक है, कभी भी डोज को ओवर मत कर देना। ठीक है, तो ये अलर्टनेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है गाइस, अगर ये रिसेप्टर्स के ऊपर बैठ जाएगा तो कहां से आपको थकान महसूस होगी, और अगर आपको थकान महसूस नहीं होगी तो आप तो ऑलरेडी अलर्ट हो, है कि नहीं। तो चलो अगले बारे में, अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं गाइस। अगर आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, तो ये जो कैफीन है ये आपके लो ब्लड प्रेशर में आपको हेल्प करता है, जिस ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है तो फिर आप जरूर ट्राई करना एक कप कॉफी लेकर के, वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी कैफीन के बारे में, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि साइड इफेक्ट होता कब है। साइड इफेक्ट तब ही होगा जब आप एक मॉडरेट लेवल से हट करके एक्सेस यूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जब आप डोज को ओवर करोगे साइड इफेक्ट तब ही होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कितना कैफीन मॉडरेट लेवल तक है, या फिर कितनी कैफीन को आप कंज्यूम कर सकते हो पर डे के हिसाब से। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बताऊंगा गाइस, एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ना, ऑन एन एवरेज एक दिन में एक ह्यूमन बॉडी 300 to 400 mg कैफीन कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना है। 400 तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। ऑलराइट, आप हमेशा मान करके चलो गाइस कि आपको 300 से नीचे ही अपने कैफीन का लेवल रखना है। ठीक है, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा गाइस कि कैफीन, अगर मैं कॉफी की बात करूं, देखो दो चीजों के बारे में बता देता हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बता दूंगा, बट बाकियों के बारे में आपको इंग्रेडिएंट में देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉफी की बात करो तो कॉफी में, एक कप कॉफी में अराउंड 100 to 130 mg की कैफीन होती है। ठीक है, तो अगर हम ऑन एन एवरेज 100 mg की भी कैफीन मान के चले गए, तो आप अगर एक दिन में 2 से 3 कप कॉफी ले रहे हो, ठीक है, और कैफीन के क्वांटिटी में अगर आप केवल कॉफी ही ले रहे हो तब मैं बात कर रहा हूं, तो आप मैक्स टू मैक्स 3 कप्स ले सकते हो पर डे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 कप, उससे ऊपर मत लेना, और 3 कप भी मैक्सिमम है गाइस, मैं बता रहा हूं, आप बाउंड्री ऑलरेडी टच कर चुके हो। ठीक है, और अगर आप बाकी के कैफीन सोर्सेस भी ले रहे हो, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, जैसे कि आपके प्री वर्कआउट्स वगैरह चीजें हो गई, चॉकलेट्स हो गई, या फिर सोडाज वगैरह हो गए, पेप्सी कोका कोला वगैरह, तब तो मैं बोलूंगा यार कि 1 से 2 कप मैक्सिमम रखो, उसके ऊपर मत जाना। ठीक है, वरना ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। और तो चलो बात करते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जो कि कैफीन दे सकता है आपकी बॉडी में, इफ यू गोना डू दी ओवरडोज। ओके, ओवरडोज मत करना, वरना ये सारी इफेक्ट्स होंगे। कौन कौन सी इफेक्ट्स होंगी? सबसे पहला, आपको नर्वसनेस फील होगा। और अगर आप एक्सेस कॉफी वगैरह लेते हैं, या फिर अगर आप एक्सेस कैफीन वगैरह यूज करते हो, तो आपको नर्वसनेस फील होने लगेगी। दूसरी चीज गाइस, आपको एंग्जाइटी होगी। ठीक है, आप बहुत ही जल्दी एंग्जाइटी वगैरह का शिकार होना शुरू हो जाओगे। तीसरी चीज, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील होगा। और क्योंकि स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर आप सोओगे नहीं, क्योंकि कैफीन ने तो आपकी थकान महसूस करने वाली चीज को खत्म कर दिया, तो आपका नींद तो और वैसे ही डिस्टर्ब हो ही चुका है गाइस, तो आप सो नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि आप अगर सोओगे नहीं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलो एक और बात करना चाहूंगा गाइस कि इससे आपको स्लीपिंग ट्रबल होगी, और वैसी बात है अभी मैं बता दिया। अगली बात मैं करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपको डिहाइड्रेशन का शिकार ये कर सकता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लेवल में कैफीन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ना ह्यूमन के लिए ना किसी एनिमल के लिए। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, अगर आप कैफीन एक्सेस मात्रा में ले रहे हो, तो कैफीन ही आपको डिहाइड्रेट कर देगी। ठीक है,
एक और मैं बताना चाहूंगा गाइस, आपका जो स्टमक है वो अपसेट रहना शुरू कर सकता है अगर आप ज्यादा डोज लेना शुरू कर दिए इसकी तो, ठीक है। बस और भी बहुत सारे बट ये जो पॉइंट्स है गाइस वो सबसे ज्यादा मेन थे जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा गाइस कि मैक्स टू मैक्स यार 2 से 3 कप के पास जाओ, उसके ऊपर मत जाना। 4 भी रेयर केस जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। और आई डोंट थिंक यार कि इस तरीके का कोई सिचुएशन आपके पास आ सकता है जिसमें कि आपके पास ऑप्शन ना बचे वाली बात हो। कैफीन है यार। अब मैं इस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कैफीन जिनके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी के लोग हैं जो कि कैफीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहला बच्चे जो कि 15-16 साल से नीचे के लोग हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो पहली बात तो है कि उन्हें स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, और कैफीन आपका स्लीप डिस्टर्ब कर देता है। और दूसरी बात यार कि वो सारे लोग जो होते हैं वो कैफीन के लिए रेडी भी नहीं होते। और रेड ये 18+ चीज है, ओके, ये 20 के आसपास की चीज है, एटलीस्ट यार 18+ तो इसको मान ही के चलो, ठीक है। कैफीन इज नॉट फॉर अ किड, अगर टीनेजर भी है तो 15, 16, 17 इस तरीके के पिए तो ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से आफ्टर 16 ही लो ज्यादा बेटर है, अगर 18+ रेड तो वो तो और भी ज्यादा बेटर, ठीक है। तो एक और कैटेगरी बच गई एंड दैट इज वैसे लोग जिनका हार्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा रहता है, ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा रहता है, वो लोग मत लेना, ठीक है। और एक आखिरी की कैटेगरी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए गाइस, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि कैफीन का असर आपके बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको करना ही है तो आप मैक्स टू मैक्स इसके लिए 50 to 100 mg तक जाएं, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं बढ़ना है। 100 mg कैफीन आपका मैक्सिमम यूज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, अगर आप लोगों को बुक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप लोग मोटिवेशनल बुक्स के समरीज जानना चाहते हैं, अगर आप लोग वर्ल्ड क्लास बुक्स की समरीज जानना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऑलरेडी एक बुक स्लीप स्मार्ट जो कि वर्ल्ड फेमस बुक है उसकी समरी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। मेरे पिछले वाले वीडियो, मेरा जो सबसे पहला वीडियो था बीस्ट वैली पे, वो वही था, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बुक्स में तो प्लीज जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर मंडे 11 AM एक बुक समरी आपके पास आएगी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ। और जो मुझे पसंद नहीं आएगा बुक में तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से बुक रिव्यू भी हो जाएगी, ठीक है। और मुझे क्या पसंद आया वो भी मैं बताऊंगा, मुझे क्या नहीं पसंद आया मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग बुक्स को पसंद करते हो तो भी सब्सक्राइब करो, अगर आप लोग नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब करो, जैसे कि आज कॉफी के ऊपर वीडियो लाया हूं मैं, ठीक है। और बस हो गया, यही बोलना था। तो सब्सक्राइब किए चैनल को, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। गाइज एकदम न्यू यूट्यूबर हूँ यार, तुम लोगों की मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बीस्ट वाली को देखना मत भूलना।